मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन दोनों का बड़ा महत्व है। मैथमेटिक्स ज्ञान विकसित करती है और इंग्लिश समाज में स्थापित करती है। तो मैथमेटिक्स की कड़ी में आज मैं आपको दशमलव के नंबरों वालों नंबरों को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। कल मैंने बताया था कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम दशमलव वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं कैसे। देखिए, छोटे बच्चों को सब्सक्राइब करवा दीजिए या आप सब्सक्राइब कीजिए और छोटे बच्चों को जरूर देखने के लिए कहिए, और कभी कभी तो आप खुद देखिए थोड़ा बहुत, और बच्चों को उसको अपने तरीके से बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी बच्चा वीडियो नहीं देख पाता है, वो समझ नहीं पाता, लेकिन उसको समझाना तो है ही ना। चाहे मेरे वीडियो से समझाइए, चाहे आप खुद समझाइए, तो जो आपको अपनी समझ से जितना भी है वो सब समझाइए उसको, और मेरा उसमें प्लस कर दीजिए, थोड़ा मेरा भी समझा दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोज मैं छोटा छोटा करके बातें बता रहा हूं। हो सकता है कोई ऐसी बातें हैं जो आप भूल गए हो या आपको याद ना आए क्या समझाना है, तो इसीलिए मैं रोज एक बात सिखा रहा हूं छोटे बच्चों के लिए जो सेकेंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं उनके लिए, और उनको जरूर सिखाइए। तो मल्टीप्लाई करते समय अक्सर बच्चों में एक दिक्कत आती है कि जैसे 39.76 ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है 4.6 से। तो जो मल्टीप्लाई करना तो आता है मान लीजिए बच्चे को, लेकिन ये डेसिमल के चक्कर में वो करे क्या, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो चीज समझनी है। होता क्या है कि आप इस दशमलव को देखिए ही ना, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, 6 6 जा 36 होता है, ये 3 बच गया। अब देखिए 6 7 जा 42 होता है और 3 उसमें ऐड करेंगे 45 बचेगा और ये 4 कैरी हो जाएगा। अब देखिए 6 9 जा करिए आप, तो 6 9 जा 54 और ये 4 और तो 58 हो जाएगा। फिर 58 के बाद फिर 5 बच जाएगा, फिर 6 3 जा 18 होता है और 5 बचा हुआ था तो 23 होता है। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन कैसा है कि अब हम यहां पर वो दशमलव का क्या करें, जो पॉइंट लगा हुआ था उसको क्या करें, ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां पर तो पॉइंट का कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया गया। पॉइंट होने से फिर मतलब क्या निकला, तो मैं बता रहा हूं ना, कुछ मत करिए, उसको लगा रहने दीजिए, उसको करना नहीं है कुछ, इसको बस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई पूरे सवाल का कर लीजिए। अब देखिए 4 से करते थे और इधर वाले डिजिट के नीचे एक कट्टम लगा देते थे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो जाइए 4 6 जा 4 6 जा होता है 24। अब ये 2 बच गया तो 2 लिखिए, 4 7 जा 28 और 2 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 3 अब बचेगा। 4 9 जा 36 होता है और 3 उसमें ऐड करेंगे 39 हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे और ये 3 फिर बच गया, तो 4 3 जा 12 और 3 15 हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट में जब आता है, 3 डिजिट में जब आता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किया तो वहां पर 2 डिजिट में आया मल्टीप्लाई, तो केवल यूनिट डिजिट लिखी जाती है और ये नंबर अगले मल्टीप्लाई में ऐड कर दी जाती है। कभी कभी 100 से ऊपर आ जाए, मान लीजिए 117 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आ जाए, तो लिखना आपको ये है और ये नंबर ऐड करना पड़ेगा, इधर जितना बच जाता है वो हम दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसको ऐड किया जाता है मल्टीप्लाई करने में, तो देखिए 6 यहां तो कुछ था नहीं तो ये 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, यहां 8 हो गया, ये 9 और 3 9 3 हो गया आपका 12। अब देखिए 12 में 2 डिजिट हुआ, फट से ये 1 इसमें आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गया और 5 8 हो गया, यहां 1 ही हो गया, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, अब सोचने की जरूरत है कि ये जो डेसिमल लगे हुए थे उनका यूज अब करना है। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि अब इसके बाद जहां पर पॉइंट लगा हुआ था, ये डेसिमल लगा हुआ था, उसके राइट साइड के नंबर काउंट कीजिए। राइट साइड काउंट कीजिए, देखिए 1 और 2 दो नंबर देखिए इसमें है और 1 यहां पर है, राइट साइड के दोनों के मिला ले ये नंबर, तो देखिए यहां पर 1 2 3 टोटल 3 डिजिट ऐसी हैं जो डेसिमल के राइट साइड हैं।
तो क्या करें, यहां से काउंट करते हुए डेसिमल ऐसी जगह लगाइए जिसके राइट साइड में 3 डिजिट रहने चाहिए। तो यहां काउंट करिए 1 2 3, ये आपका रिजल्ट आने वाला है। आपका क्या रिजल्ट आया, 182। जब हम पढ़ते हैं तो 182.896, यहां पर 800 नहीं कहते, डेसिमल के बाद जब नंबर पढ़ते हैं तो एक एक डिजिट को अलग अलग कहते हैं 896। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहां पर 182 नहीं लिख कह सकते, यहां पर पूरा कहना है। यहां क्या कहना है, 182.896। उधर अलग अलग पढ़ना है और इधर कंप्लीट पढ़ना है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए छोटे छोटे नंबर जैसे 0.001, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है पॉइंट, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां पर नंबरों की कड़ी अगर देखा जाए, डेसिमल ना देखा जाए, तो ऊपर भी वन है और नीचे भी वन है केवल। अब इस वन वन जा वन हो गया, ये वन रिजल्ट आ गया, लेकिन डेसिमल का क्या होगा? फिर वही रूल कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने नंबर हैं वो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 डिजिट हैं। अब यहां पर तो अकेला है ना, और डेसिमल यहां से काउंट करना है, तो 6 डिजिट इधर से काउंट करते हुए आइए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, और एक इसके पहले एक लिखा जाता है। इस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करना है, पहले बिना डेसिमल को देखे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर लास्ट में दोनों नंबरों को डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उन्हें एक में काउंट कर लीजिए और रिजल्ट में उतने डिजिट राइट साइड से गिन करके डेसिमल को लगा दीजिए। ये काम करना है। अब इस तरीके से बहुत सारे सवाल करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। और जीरो की टेबल, कुछ बच्चे जीरो की टेबल पढ़ने लगते हैं, जैसे यहां पर कोई दूसरा सवाल देखिए, जैसे यहां पर 3.03 लिखा हो और यहां पर लिखा हो 16.001, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, इसमें बीच में है ना, इसको तो मल्टीप्लाई बीच में जीरो का करना ही है। देखिए कैसे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट पूरा आ जाता है। तो 302 ये नंबर आएगा। अब देखिए उसके बाद जीरो से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर तो ऐसे ही कट्टम हो जाता है, जीरो से जब करेंगे तो जीरो में जीरो तो आएगा, तो ये नंबर भी कट हो जाएगा। फिर देखिए फिर अगला जीरो है तो ये नंबर भी कट हो जाएगा। जितने डिजिट इधर बढ़ते जाएंगे उतने नंबर कट होते जाएंगे। जैसे पहले में था यहां था, दूसरा डिजिट से कर रहे हैं तो दूसरे डिजिट के नीचे कट्टम आएगा, फिर तीसरे डिजिट से करेंगे तो ये, अब इसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को लिख लीजिए और फिर ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहां तक तो पूरा इतना ही आने वाला है। क्योंकि जीरो से, अब कुछ बच्चे करते क्या है, मान लीजिए जीरो से है तो जीरो जीरो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों में कट्टम हो गया, दो में कट्टम हो गया, यहां से जीरो हो गया और फिर इस जीरो को यहां से काउंट करेंगे ऐसे करके, जो भी है ये हो जाता है, तो ये बना। अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में कट्टम हो गया। तो यही तो पहले भी था कि तीनों में कट्टम, जहां जितने डिजिट वाले को कर रहे हैं इधर जितने हैं नंबर बचते हैं उस सबके नीचे कट्टम हो जाता है। तो 6 3 जा, तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप क्या करें, वन से कर लिया है और उसके बाद एक कट्टम आएगा, टू इससे करने जीरो जा रहे हैं तो ये भी कट्टम, ये भी कट्टम, अब जो बचेगा यहां से आगे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। 6 3 जा 18, ये हो गया 6 2 जा 12। इस तरीके से आप वन से भी मल्टीप्लाई और कर लीजिए तो ये यहां भी कट्टम हो जाएगा। अब देखिए 4 कट्टम हो गए, अब यहां 302 हो गया और एड कर लीजिए 3028, यहां 3 और 1 हो गया 4 2 और 3। अब डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
फाइव नंबर के बाद लगा लीजिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आप आसानी से सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। धन्यवाद।